ब्लैंक मूवी मेरे को बहुत बहुत ही अच्छी लगी। इसमें काफ़ी लंबे समय के बाद सनी देओल एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मेरे को ये मूवी बहुत अच्छी लगी, यही बोलना चाहिए। करण कपाड़िया भी इसमें डेब्यू कर रहे हैं, तो और इस फिल्म में वो एक आतंकवादी की भूमिका में है, तो उनका भी एक्टिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है। फर्स्ट टाइम उनका इस फिल्म में एक्टिंग है। हाँ, क्योंकि ये एक बॉम ब्लास्ट पे बेस्ड मूवी है, तो मुझे लग रहा है कि अलग है। हाँ, क्योंकि ये फिल्म एक काफ़ी अच्छी अच्छा मैसेज दे रहा है लोगों को, तो मुझे लगता है कि आना चाहिए लोगों को देखने के लिए, पब्लिक को देखने के लिए, तो मैं 4/4 देना चाहूँगी। कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद आई मूवी। करण कपाड़िया एज़ अ फ्रेशर, एज अ न्यू कमर, उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं बोलूँगी इस मूवी में वो अपनी छाप छोड़ के गए हैं। ऑब्वियसली काफ़ी करंट में हम देखें तो पिछले हफ्तों की बात करें तो कलंक आई है, एवेंजर्स आई है, ये काफ़ी डिफरेंट लोगों को देखने मिला है, नेशनलिज्म लोगों को देखने मिला है इस मूवी में। 4 stars। ऑब्वियसली ये मूवी ऐसी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसके लिए कोई सेट ऑफ ऑडियंस है, ये कोई भी देख सकता है और हर किसी को ये मूवी पसंद आएगी, तो मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगी कि जाओ और ये मूवी देख के आओ। थैंक यू सो मच। सुपर फैंटास्टिक। मुझे ये लगा कि जो आज की जो जितने भी, क्योंकि आजकल का क्या हो गया, पिछले 2-3 महीने से जो भी मूवीज बनी है तो टेरेस के ऊपर बनी है, वही बम धमाके ये वो चल रहा है, बट हाँ ये कहीं ना कहीं लीक से हटके मूवी है और आपको मूवी बांध के रखती है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि मूवी बोर कर रही है आपको, इंटरवल से पहले या बाद में। बिल्कुल, मैं बोलूँगा मस्ट गो एंड वॉच। 4.5, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी है और इसमें कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूँगा करण कपाड़िया का काम बहुत अच्छा है, कि जैसे न्यू कमर मतलब बोला जाता है कि डेब्यू किया, लेकिन कहीं ना कहीं सनी देओल के साथ उनने जो काम किया है वो लाजवाब है। वेल, ब्लैंक मूवी इज रियली वेरी अमेजिंग। इस तरह की एक्शन थ्रिलर मूवीज बॉलीवुड में आनी चाहिए। दिस मूवी कैरिड अवे, इस मूवी में एक जो एक एक्शन लोग देखते हैं, तो एक्शन थ्रिलर मूवी जिसको जैसे पसंद होती है, जैसे मुझे भी एक्शन थ्रिलर मूवी पसंद, लेकिन जिस तरह से पूरे मूवी को पोर्ट्रे किया गया है, जिस चीज़ को जहाँ पे रखना चाहिए, जहाँ पे प्लॉट करना चाहिए, इस मूवी में वो सारी चीज़ें की गई है। ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड, ऑल्दो इट्स वन टाइम वॉच मूवी, बट स्टिल आई आस्क माई फ्रेंड टू वॉच दिस मूवी एंड आई वुड लाइक टू गिव 3.5 stars। थैंक यू। देख नहीं सकते आप, मैं अभी तक ब्लैंक हो चुकी हूँ फिल्म देखने के बाद। बहुत 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 ही सुपर मूवी है, बहुत अच्छी लगी मुझे। कहीं भी नहीं लग रहा है कि वो डेब्यू किए हैं इस फिल्म में, तो बहुत अच्छे से अपने रोल को जस्टिफाई किए हैं वो। हाँ, थोड़ी बहुत तो डिफरेंस है बाकी की फिल्मों से, और सनी पाजी की अगर मैं बात करूँ तो कुछ टाइम से जो आ रहे थे वो उनकी फिल्म इतनी चल भी नहीं रही थी और इतने अच्छे से, तो इस फिल्म में उन्होंने अपने किरदार बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया। वो जो उनका एक्शन अवतार है वो इस फिल्म में हमें देखने को मिला। ऑब्वियसली करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है और सीरियसली बहुत अच्छी फिल्म है, जाके देखिए आप लोग। 3.5 stars। थैंक यू। अच्छी फिल्म है, एक इंटरेस्टिंग थ्रिलर है, एक फोकस्ड फिल्म है और मज़ा आया देखकर। इस किस्म की फिल्में इंडिया में बनती नहीं है। फोकस्ड थ्रिलर, एक ट्रैक पे चलती है, अननेसेसरी डिविएशन नहीं है एंड सॉन्गलेस है। जिस किस्म की कहानी उसमें गाने की ज़रूरत भी नहीं थी, और अच्छा है कि गाना उन्होंने कोई अननेसेसरीली इंक्लूड भी नहीं किया है। और ऑब्वियसली द USP इज़ करण कपाड़िया, बहुत ही अनकन्वेंशनल डेब्यू है, और जो उसने लास्ट का सीन परफॉर्म किया है देखने लायक है। मतलब आई एम सो टेकन अबैक कि एक डेब्यूटांट ने इतना मच्योर तरीके से ऐसा एक सीन परफॉर्म किया है। तो आप लोगों को रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे डेफिनेटली फिल्म को 3 और करण एस्पेशली जो क्लोजर सीन है उसका, फिल्म का, उसके लिए 1-4 stars।